नमस्ते बच्चों, मैं पांडे सर जेएमडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैंने चैप्टर नंबर 3 आपकी क्लास का स्टार्ट कराया है इस वीडियो में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10th क्लास के लिए तो है ही, आगे चल के इसके हर क्लासेस में जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे इन इक्वेशंस का इस्तेमाल होना ही होना है। जब भी दो इक्वेशन आपको दो वेरिएबल में मिल जाएंगे तो वहाँ किसी भी क्लास में इससे आगे आपको सॉल्व करना होगा, और उस समय 10th क्लास की याद आपको जरूर आएगी। इसलिए ये बेटे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 10th क्लास के लिए तो मैंने बताया कि है ही, इससे आगे आने वाले क्लासेस में भी आपकी बहुत मदद ये चैप्टर करने वाला है। इसलिए बहुत ध्यान से आप इस चैप्टर की एक एक बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर को। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि कोई भी इक्वेशन जो इस टाइप से लिखा हुआ हो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल यहाँ पे x और y, इनको वेरिएबल कहा जाता है, और a, b तथा c ये कॉन्स्टेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है बेटे? तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का हो, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, या हम ऐसे भी लिखते हैं कई बार ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जाता है, जिसमें ए और बी जीरो नहीं हो सकते, ठीक है बेटे? तो ऐसा कोई भी इक्वेशन अगर है आपके पास तो इसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। बच्चों, ऐसा इक्वेशन जब भी आपको मिलेगा तो वो पेयर में मिलेगा, यानी दो होंगे एक साथ, क्योंकि दो वेरिएबल्स अगर हैं आप तो कम से कम आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए हमारे पास इस टाइप का एक सिस्टम दिया गया होगा, जिसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल्स टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल्स टू सी टू। इस टाइप से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे ए वन बी वन फर्स्ट इक्वेशन के एक्स और वाई के कॉफिशियंट है, सी वन कॉन्स्टेंट है, और इसी प्रकार ए टू और बी टू एक्स और वाई के कॉफिशियंट सेकेंड इक्वेशन के हैं और सी टू कॉन्स्टेंट है। अब बेटे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमारा मकसद होता है इनको सॉल्व करना और यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, यानी इनका सोल्यूशन निकालना हमारा मकसद होता है, ठीक है? तो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो प्रकार के मेथड है, एक तो एल्जेब्रिक मेथड है और एक बेटा ग्राफिकल मेथड है, ठीक है बच्चों? ग्राफिकल मेथड का मतलब ग्राफ बना के इन इक्वेशन, इन दोनों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन बेटे लाइन की इक्वेशन होती है, तो दोनों इक्वेशन के द्वारा हम ग्राफ जब बनाएंगे तो इससे दो लाइन आप प्लॉट कर पाओगे, और वो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सोल्यूशन देता है। तो इस तरीके से ग्राफिकली हम सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं अभी आगे आने वाले समय में आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ एल्जेब्रिक मेथड है। तो ये दो मेथड है जिनके द्वारा हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एल्जेब्रिक मेथड आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है बेटे? तो एल्जेब्रिक मेथड भी तीन टाइप का होता है, ये तीन भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं अभी अपने इसी वीडियो में एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है, और एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेके मैंने उसको तीनों मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाया है, और आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो बेटे, आंसर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेम आएगा, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करो, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, ठीक है बेटे? अब आपको एक चीज मैं बताऊं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपको दिया होगा, आप पहले से ही उसका अंदाजा लगा सकते हो कि क्या वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं, सॉल्व अगर करते हो तो क्या उसका यूनिक सोल्यूशन आएगा कि नहीं, क्या वो आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन तो नहीं देगा, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सोल्यूशन ही ना आए। ठीक है बेटे, तो ये आप पहले से ही इसका अंदाजा लगा सकते हो, बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हो। उसके लिए आपको कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी बताई जा रही है कि सपोज करो कि आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेट है। ठीक है बेटा, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। तो इसमें तीन कंडीशंस आपको बताए गए हैं, साथ ही साथ उनके ग्राफ कैसे बनेंगे ये भी बताया गया है। ठीक है बेटे, अब सपोज करो कि केस वन इसका ये कहता है कि a1/a2 यानी x का कोफिशियंट दोनों इक्वेशंस में उनका रेशियो, और जो y के कोफिशियंट है दोनों इक्वेशन में उनका रेशियो, a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं है, ध्यान दें, a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है इक्वेशन कंसिस्टेंट है। ये इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने का क्या मतलब होता है बेटे, कि हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, यानी इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और कैसा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बेटे, तो जब भी ये कंडीशन इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में लागू हो रही होगी तो उस समय सोल्यूशन आएगा, और वह कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक मतलब एक्स की एक वैल्यू और वाई की एक वैल्यू आएगी, और हम में से कोई भी निकाले वो वैल्यू सेम होगी एक्स और वाई की, उसको हम यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और इसका जो ग्राफ आएगा उस केस में, यानी जब भी किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन बनेगा, उस समय जब हम उसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ उस समय बेटे इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, और जहां पे उसने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम ग्राफ से अगर निकाल लें तो वही इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है बेटे, तो ग्राफिकली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यूनिक सोल्यूशन वाली जो लाइंस होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी, उनका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन आपको मिलता है। अब आते हैं केस टू। केस टू क्या कह रहा है, केस टू ये कहता है कि अगर ये जो कोफिशियंट्स का रेशियोज है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हो जाए, उस केस में भी ये इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट कहलाएगा, और इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है बेटे, और उसका उस समय जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, यानी दोनों लाइंस एक दूसरे को बहुत बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, ऐसा तभी संभव है जब दोनों लाइनें कोइंसिडेंट हो। यानी इस कंडीशन में जो लाइंस आप ग्राफ करते हो अगर, तो दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन होगी, और तब हम कहेंगे कि हाँ भी इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है बेटे, थर्ड केस है कि a1/a2 b1/b2 के तो बराबर हो, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, यानी फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल हो और वो थर्ड के इक्वल ना हो, तो उस समय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं, यानी हम उनके सॉल्यूशन को नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइनें पैरेलल आ जाएंगी, वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, और इसीलिए इसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब हम ये कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी से पहले ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है वो क्या हम उसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व अगर कर सकते हैं तो किस प्रकार का उसका सोल्यूशन आएगा, यूनिक आएगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है बेटे, अब इसी टॉपिक्स के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिया हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक से समझ में आ सके। मेरा पहला क्वेश्चन इस क्रम में है, वो कह रहा है कि फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कि क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या आपस में कोइंसिडेंट है, इस चीज को आपको बताना है। ठीक है बेटे, तो जो कंडीशन पीछे आपको बताया गया था उसी को हम यूज करके बता सकते हैं कि ये कैसी लाइनें हैं अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये कोफिशियंट्स यहाँ से निकाल लिए, a1 यहाँ से आपको 3 मिला, b1 की वैल्यू 1 मिली और c1 7 मिला, इसी प्रकार a2 6, b2 2
और सी टू यहाँ पे 8 है, और फिर मैंने इनके रेशियो को कैरी आउट किया, ए वन अपॉन ए टू इज योर 3/6 1/2, बी वन अपॉन बी टू इज 1/2, सी वन अपॉन सी टू इज 7/8। तो आपने देखा कि ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू इक्वल आ रहा है, लेकिन वो सी वन बाई सी टू के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर हम उसको लिख सकें तो ऐसे लिखेंगे, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। जो आपने यहाँ देखा है बेटे, उसी को आपने conditions में एक कंडीशन बना के लिख दिया, और अब आप इस कंडीशन को पिछले जो आपने पिछले पेज में आपने conditions पढ़ा था उससे जरा मैच करके देखो ये किससे मैच करता हुआ मिलता है। तो ये थर्ड कंडीशन थी बेटे कि कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला, ये कंडीशन है, और उस समय लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल। तो आप ये रेशियो निकाल के आप समझ पाए कि लाइन जो है हमें दी हुई है वो किस प्रकार की है। आपसे इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कॉन्सोनेंट पूछा था, तो आपने कंडीशन को यूज करके देखा कि ये तो नो सोल्यूशन वाला केस बन रहा है, और नो सोल्यूशन वाले केस में लाइन हमेशा कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है बेटे, अब आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। ये कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। मींस एक अननोन क्वांटिटी यहाँ पे के लिखा हुआ है, आपको बताना है कि किस के की वैल्यू के लिए हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहले जैसे कोफिशिएंट्स हम निकालते थे वो हमने निकाल लिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू यहाँ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमने निकाली, और उसके बाद नो सॉल्यूशन का केस जो होता था उसे हमने लिख दिया। नो सॉल्यूशन का केस क्या होता था बेटा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और इसी कंडीशन के अंदर जो वैल्यूज यहां से आपने निकाली है वो इसके अंदर आप पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद ये शुरू के दो रेशियोज को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, और यहाँ से 3k-3 = 2k-1 k की वैल्यू निकाली आपने k = 2, और k = 2 के लिए आपने देख लिया कि फर्स्ट और थर्ड रेशियो इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है बेटे, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, और इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा अगर k की वैल्यू कितनी आ जाए, 2 आ जाए। तो इस तरीके से आपने k की वैल्यू निकाली जिसके लिए ये दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है बेटे, फिर मैंने एक थर्ड क्वेश्चन लिया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। फिर आपको दो इक्वेशन दिया हुए, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए और बी अननोन है, यहाँ पे उनकी वैल्यू निकालो ताकि इनके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो। फिर वही काम करोगे आप, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यूज आपने यहाँ से लिख ली, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, जैसा कि कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी में आपको बताया गया था, उस कंडीशन को आपने लिखा, और उसके अंदर जो जो वैल्यूज आपने निकाली हैं उसे आप इसमें पुट कर दें। ठीक है बेटे, तो पुट करने के बाद a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यूज पुट करने के बाद ये कंडीशन आया। अब इसमें मैंने फर्स्ट और थर्ड ये दो रेशियो लिया और इनको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ए और बी में कंडीशन मिला a = 5b। फिर मैंने फर्स्ट और सेकंड लिया, आप बेटे फर्स्ट और सेकंड पहले भी ले सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके फिर हमारे पास एक रिलेशन आया, उसमें जहां जहां ए आया था उसकी जगह पे मैंने 5b पुट कर दिया, और इस तरीके से सॉल्व करने के बाद मेरे पास बी की वैल्यू -1 आ गई, और बी की जब वैल्यू आ गई तो मैंने ये पिछला जो अपना ए और बी में रिलेशन निकला था a = 5b, उसमें बी की जगह पे -1 डाल देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, और यही मुझे चाहिए था, ए और बी की वैल्यू चाहिए थी ताकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकें। ठीक है बेटे, ओके। तो ये तो बात हुई कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी के ऊपर, जिससे आप इक्वेशंस को देख के बता पाओगे कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या कैसे होगा, या फिर कोई अननोन चीज दे रखी हो उसकी वैल्यू उन कंडीशंस को यूज करके हम कैसे निकालते हैं, ये आपने समझा। ठीक है बेटे, अब आते हैं अपने एल्जेब्रिक मेथड पे, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बताया गया था। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, फोर्थ क्वेश्चन, मैंने तीनों टाइप को इसी क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करी है। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सॉल्व द पेयर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बेटे यही तो तीन मेथड थे जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, एल्जेब्रिक मेथड,
सब्स्टिट्यूशन था, दूसरा एलिमिनेशन था, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैंने इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इन तीनों मेथड्स को आपको यूज करके दिखाया है कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करोगे। ठीक है बेटे, सबसे पहले मैं मेथड ले रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसा कि नाम इसका बता रहा है कि हमें x या y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे के टर्म्स में, जैसे x की वैल्यू हम y के टर्म्स में निकाल पाएंगे, चाहे हम फर्स्ट इक्वेशन से निकालें या सेकंड से निकालें, जिससे आप कंफर्टेबल हो उस इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकालिए। ठीक है बेटे, और जिस इक्वेशन से आपने निकाला है उसमें ना डाल के जो दूसरा इक्वेशन आपका बच गया उसके अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दोगे तो इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी चीज को हटा के उसकी जगह पे उसकी वैल्यू रख देना, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो मैंने बेटे, मेरे पास दो इक्वेशन जो दिए हुए थे, यहां से सेकंड इक्वेशन से मैंने वेरिएबल एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में निकाला, वेरिएबल एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में निकाला। आप फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटे, तो मैंने सेकंड इक्वेशन से वेरिएबल एक्स की वैल्यू निकाली तो मैंने 4y को राइट साइड पे ट्रांसफर कर दिया, इसका वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 4y माइनस 7 आपको मिला यहाँ पे। और ये x की वैल्यू क्योंकि मैंने सेकंड इक्वेशन से निकाला है तो मैं फर्स्ट वाले में इसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा, यानी वहां से x को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मैंने लिखा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से निकाली थी तो उस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। और अगर हमने इनकेस फर्स्ट इक्वेशन से निकाला होता तो कहां रखते बेटे इसको, फिर सेकंड इक्वेशन में पुट करते। ठीक है बेटे, तो x की जो वैल्यू आई थी उसमें मैंने x को उस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल बच जाएगा और वो वेरिएबल होगा सिर्फ y वाला। ठीक है बेटे, तो x की वैल्यू 4y माइनस 7 मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 जो था मेरे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 14, इन प्लेस ऑफ x वी हैव मींस यूज द वैल्यू ऑफ x हियर 4y माइनस 7, तो 3 टाइम्स 4y माइनस 7 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो 12y माइनस 21 प्लस 2y इक्वल्स टू 14 आया। फिर बेटे 14y इसका साइड ट्रांसफर किया, साइन चेंज हुआ, 21 प्लस 14 गिव्स यू 35 एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू 35 बाय 14 इज योर 5/2। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ y, तो इस y की वैल्यू को जो मेरे पास x की वैल्यू जो मैंने निकाली थी पहले उसमें इस y की वैल्यू को पुट कर दीजिए और वहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटे, तो इस मेथड को हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। बेटे इसमें करना क्या था आपने कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से आप निकालिए और दूसरे वाले इक्वेशन में उसे उसकी जगह पे पुट कर दीजिए तो आप जिस टर्म, जिस भी वेरिएबल के टर्म में आपने इस वैल्यू को निकाला होगा उस वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी और फिर आप जो वैल्यू आपने निकाली है जिस वेरिएबल की उसको किसी भी इक्वेशन में डाल के वहां से एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, ओके अब आप आइए नेक्स्ट मेथड जो था सब्स्टिट्यूशन के बाद एलिमिनेशन मेथड। तो इसी पेयर ऑफ इक्वेशन को मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाया है। एलिमिनेशन मेथड में जैसे कि कहा समझ में आ रहा है कि किसी चीज को एलिमिनेट मतलब हटाना है वहां से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के रखना और एलिमिनेशन का मतलब किसी एक वेरिएबल को वहां से एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट मतलब हटा देना। तो एलिमिनेट कब हो पाएगा, जब इनके कोफिशिएंट इक्वल होंगे। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इक्वेशन है बेटे दोनों, इसमें x का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है और ना ही y का कोफिशिएंट इक्वल है, दोनों में किसी का भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। तो हम एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है बेटे, जैसा कि अब आपकी मर्जी, आप चाहे एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल करो चाहे वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करो। मैं चाहता हूं कि मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल करूं तो यहां पे आप देख सकते हो कि 2 लिखा हुआ है, यहां पे 4 लिखा हुआ है। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर दोनों y के कोफिशिएंट बेटे इक्वल हो जाएंगे। मैंने यही किया, मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है बेटे,
तो 6x plus 4y equals to 28 आया, और जो सेकंड इक्वेशन था उसको एज इट इज हमने लिख लिया, x माइनस 4y equals to माइनस 7। आपने देखा कि y के कोफिशियंट इक्वल हो चुके हैं, अब इनके कोफिशियंट के आप साइन देखिए, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अनलाइक साइन अगर है तो इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, और अगर लाइक साइन होते इन केस तो जो सेकंड इक्वेशन होता है उसको हम उस पहले वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी इसे हमें एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट तो तभी हो पाएगा जब इनके अनलाइक साइन हो, अगर लाइक साइन होगा तो ऐड कर देंगे और अनलाइक साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये एडिशन करने के बाद ये दोनों कैंसिल हो गए, 6x plus 1x is 7x and 28 minus 7 is 21, और यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, 21 को 7 से डिवाइड कर देंगे बेटा, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी and x की वैल्यू आई 3। अब ये जो x की वैल्यू आई है वो किसी भी चाहे सेकंड में या फर्स्ट में किसी भी इक्वेशन में x की जगह पे आप रख दीजिए, और यहां से सॉल्व करके आप y की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है बेटे। तो y की वैल्यू आपको 5/2 मिला, आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5/2, सेम वही वैल्यूज आपको फिर से मिल गई, ठीक है, जो आपने क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था, तो जो x और y की वैल्यूज आई थी वही वैल्यूज आप एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल पाए हो। मेथड जो क्वेश्चन में मेंशन होगा आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है बेटे, अगर एलिमिनेशन से बोला है तो आप एलिमिनेशन से करिए, सब्स्टिट्यूशन से बोला है क्वेश्चन करने के लिए तो सब्स्टिट्यूशन से करिए, आप पूछा कुछ और जाए किसी और मेथड से आप कर दें और आंसर तो सही आ रहा है, आप देख रहे हो दोनों का इक्वल ही आ रहा है, लेकिन फिर मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है बेटे। तो जिस मेथड से मेंशनड हो जो मेथड, उसी मेथड से आपने इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए अब आते हैं अपने तीसरे मेथड पे, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। इसमें एक तरीका आपने सीखना है कि बेटा इक्वेशन को हमें इस फॉर्मेट में लिख देना है, अगर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के राइट साइड में है तो उसे लेफ्ट साइड में लाके लिखना है इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, ठीक है बेटा। तो a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, ऐसे हमने लिखा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए एक फॉर्मूला हम डेवलप करेंगे, बहुत सिंपल तरीका होता है बेटे, x divided by equals to y divided by something equals to 1 divided by something, ये मुझे लिखना है। जब हम x के नीचे डिवाइड में लिख रहे होंगे तो x के कोफिशियंट को बंद करके जो y का कोफिशियंट और जो कांस्टेंट बचा है उनको लिखेंगे, जैसे b और c, तो bc minus bc लिख देंगे। ऐसे ही y के नीचे क्या लिखेंगे, y के नीचे लिखेंगे तो y ये का कॉलम हमने क्लोज कर दिया तो ca बचा, तो ca minus ca लिखेंगे, ठीक है बेटे, ca minus ca लिखेंगे। और ठीक इसी प्रकार 1 के डिवाइड में जब लिखना होगा तो आप 1 कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा, तो ab minus ab लिखेंगे, और उसके बाद जो भी हमने लिखा था उसके साथ 12 21 और 12 21 यूज कर देंगे इसके साथ, ठीक है बेटे। तो फिर क्या आया, x अपॉन bc माइनस bc, y अपॉन ca माइनस ca एंड 1 अपॉन ab माइनस ab, 12 21 12 21 और 12 21। तो इस तरीके से आपने ये फॉर्मूला बना लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। बेटे करना कुछ नहीं है यार, अब आपने अपने दिए गए इक्वेशन से, जैसे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपको दिया हुआ था उसको मैंने इसी फॉर्मेट में लिख लिया, और यहाँ से a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल ली, ऐसे ही a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल ली, और ये जो फॉर्मूला हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बनाया था उसके अंदर वो सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी, जैसे x अपॉन b1 c2, b1 कितना है बेटा 2 लिख दिया, और c2 कितना है 7, 2 × 7, माइनस b2 c1, b2 इज योर माइनस 4 एंड c1 इज योर माइनस 14, तो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 हो गया। ठीक उसी तरीके से y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 हुआ, और इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2, a1 एंड b2 3 × −4, और यहां पे थोड़ी सी मैंने गलती कर दी बेटा, ठीक है, माइनस ऑफ था हमारे पास a2 b1 1 × 2, ये 1 × 2 लिखना है। अब सिंपली इनको आप सॉल्व कर लो, x अपॉन 14 माइनस 56, y अपॉन माइनस 14 माइनस 21, 1 अपॉन माइनस 12 माइनस 2, सिंप्लीफाई किया, फिर x की वैल्यू तीनों इक्वल है आपस में, तो x अपॉन माइनस 42 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 14
एंड वाई अपॉन माइनस 35 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 14। यहाँ से इनको आपने इक्वल रख के सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू माइनस 42 अपॉन माइनस 14 आया और y की वैल्यू माइनस 35 अपॉन माइनस 14 आया। सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5/2 आपको मिली। ठीक है बेटे, तो आपने देखा कि हम एल्जेब्रिक मेथड में तीनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करें आंसर अपना एक ही आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है बेटे, तो लेकिन यूज हमें वही मेथड करना है जो हमें पेपर में क्वेश्चन में मेंशनड हो, उसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें आप समझ पाए हो। इसे वीडियो को ढंग से देख के सभी क्वेश्चंस को ट्राई करो और भी ऐसे एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर ये समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटे, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम आपको कराऊंगा, जैसे इन चैप्टर्स के अंदर वर्ड प्रॉब्लम भी, अभी तो इक्वेशन बना बनाया आपको दे दिया, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, आपको इक्वेशन खुद बनाना होगा और उसे सॉल्व भी करना होगा। अगर मेथड मेंशनड है तो उस मेथड से करेंगे, और अगर मेथड मेंशन नहीं है तो आप तीनों में से कोई भी तरीका उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां से आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है बेटे, तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे। तब तक अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने बड़ों का कहना माने और देखते रहें पांडे सर द्वारा दिए गए वीडियोस को। नमस्ते बच्चों।